अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर, एक 370 का मामला आया था, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई और कहां से आरोपी को पकड़ा गया और किस तरह का पूरा मामला था? ये एक दिनांक 19/6/23 में एक नाबालिग बालिका चली गई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन्स में धारा 363 बाधा विहित रह प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसका अपराध क्रमांक 335/23 था। इसमें थाना के सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार के पास में इसकी विवेचना थी, जिसने काफ़ी मेहनत से इस मामले को जो है साइबर सेल की मदद से ट्रेस किया और फिर पोकरण राजस्थान में जाकर उक्त नाबालिग बच्ची को बरामद किया। इस प्रकरण में जो आरोपी इसको भगाकर ले गया था, उसका नाम लाल सिंह चंद्रवंशी है, जो कि आगर जिले का रहने वाला है। इसको भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में धारा 363 के साथ में 366 और 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत भी प्रकरण आगे बढ़ाया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, प्रकरण की विवेचना भी जारी है। सर, कैसे क्या मिला बच्ची से? ये मजदूरी करते थे और लड़का काम करते करते ही लड़की के संपर्क में आया था और इसको बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ में ले गया था। सर, एक दस्तयाब भी किया गया, जहाँ से दस्तयाब किया गया है वो जिस जगह से कैसे गया लेकिन मिली और कैसे उसको वहाँ से? ये लोग यहाँ से एक्चुअली अपने समझ से तो काफ़ी दूर चले गए थे। इन्होंने समझा कि इनको इतनी दूर पहुँचने के बाद में कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन इसमें पुलिस की टीम द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और इसमें साइबर सेल का भी काफ़ी सहयोग रहा। इसमें साइबर सेल के सहयोग से काफ़ी नंबरों को जब हमने टटोला खंगाला तब एक नंबर निकल के आया, तो वहाँ से पुलिस को लीड मिली और फिर पोकरण राजस्थान से जाकर हमने बच्ची को दस्तयाब किया था। सर, चूँकि पड़ोसी देश से केवल 10 किलोमीटर दूर था, कहीं ना कहीं आगे रास्ता नहीं मिला, वैसा ही बुरा सकता कैसा है? चूँकि भारत के लाल बॉर्डर पर पोकरण से 10 किलोमीटर दूरी भी था पाकिस्तान, आगे उनको रास्ता नहीं मिला उस कारण। हाँ, ये भी कह सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा था आपको मैं कि उन्होंने समझा कि वो एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए हैं और चूंकि बॉर्डरिंग एरिया है और 10 किलोमीटर दूरी पाकिस्तान का बॉर्डर था, वहाँ से पुलिस ने इसको दस्तयाब करने में सफलता पाई। टीम की सफलता पर कोई इसमें इनाम है? बिल्कुल, टीम के लिए इनाम प्रतिदिन बनाकर वरिष्ठ अधिकारीगणों को भेजा जाएगा और वास्तव में इसमें उप निरीक्षक अरुण और ASI शारदा, प्रधान आरक्षक धर्मवीर और साइबर सेल के शिव प्रताप का बिल्कुल सराहनीय योगदान इस प्रक्रिया में।